सर बताइए अगली फाइनेंशियल फ्रीडम स्टॉक आपकी तरफ से। बिल्कुल नया जी, फाइनेंशियल फिट के लिए आपको इंडिपेंडेंस रखना जरूरी है। उसके लिए डिफेंस सेक्टर काफ़ी महत्व रखता है, और दूसरा जो स्टॉक है वो डिफेंस सेक्टर से ही रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए प्लेन्स बनाती है, डिफेंस ऑफ फाइटर प्लेन जेट्स बनाते हैं और हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, जैसे चीता, और काफ़ी इनके MI लाइन ऑफ हेलीकॉप्टर्स ये बना के आर्मी को सप्लाई करती हैं। गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रुझान रहा था कि मेक इन इंडिया किया जाए, और जितने भी जो हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करके लाते थे इक्विपमेंट, उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा भरना पड़ता था, वो क्यों ना हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। इसका डायरेक्ट बेनिफिट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL और अन्य जो डिफेंस क्षेत्र में कार्यरत कंपनी है उनको हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 84,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक इनके पास है, जो कि बुक टू बिल रेशियो देखें तो 3x के ऊपर का है, और 50,000 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है जो इनको आने वाले दिनों में मिलेंगे। एक खास बात जो इन कंपनियों में रही है कि पहले काफ़ी सुस्त काम करते थे, अभी इनके कामकाज करने के तरीका में, रवैये में चेंज आया है, और एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्टर हो गया है, जिसके कारण ऑपरेटिंग लेवरेज इनका काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है, ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी बढ़ गए हैं, और पेमेंट सरकार से अब टाइम पे मिल जाती है, तो फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल में जो पैसा ब्लॉक होता था वो भी नहीं रहता है। अब 28-30 का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, और जबकि ये 22-23 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मेरा यह मानना है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स ये 20-25% के कैगर से इनका बॉटम लाइन ग्रो करेगा, तो डीप वैल्यू बाई अभी भी बनता है। स्टॉक प्राइस हालांकि पिछले 8-9 महीने में काफ़ी चल रखा है, बट यहाँ से भी ये मुझे ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आता है अगर 3-4 साल की रखें, बट अगर 1 साल का नजरिया है तो 5,000 के टारगेट प्राइस के लिए आप इसे बाई करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। काफी दमदार स्टॉक है ये। दमदार स्टॉक है। भारतीय सेना को सशक्त करना है और उसके लिए कुछ बड़े ऑर्डर्स इन कंपनियों को मिले हैं। HAL उनमें से एक है और डेफिनेटली अब जिस तरह के मौके हैं और जैसा कि धर्मेश सर ने भी कहा, इनके कामकाज के रवैये में भी कुछ चुस्ती आई है, तरीका भी बदला है, उन सब का फायदा डेफिनेटली इस स्टॉक को मिलेगा और इसके जो शेयर धारक हैं उनको भी 5,000 का लंबा टारगेट यहां पर लेकर चलना है। साल भर रखिए, बहुत बेहतरीन स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को चमका देगा।